समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यभान सिंह ने शुक्रवार को बैरिया विधानसभा क्षेत्र के इब्राहिमाबाद नौबारात के नई बस्ती में अग्निपीड़ितों तथा ग्राम सभा चक्की चांदिया निवासी ट्रैक्टर के रोटावेटर से गंभीर रूप से घायल किशोर के परिजनों से मिले और उन्हें तात्कालिक तौर पर दोनों परिवारों को तत्कालिक तौर पर निजी मद से 10,000 रुपये की सहायता प्रदान की। बता दें कि सपा नेता सूर्यभान सिंह ने रात में ही लखनऊ से अपने गांव जयप्रकाश नगर वापस लौटे थे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा बताने पर सुबह उठ करके वह पहले इब्राहिमाबाद नवरार की नई बस्ती में जगदीश प्रसाद पुत्र स्वर्गीय नगेश्वर प्रसाद से मिले और उन्हें सांत्वना दी। जगदीश प्रसाद का मढ़ा बीते सोमवार की रात अज्ञात कारणों से आग में जल गया था, जिसमें रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। इस अगलगी में दो बकरियां झुलस कर मर गईं और आग बुझाने में जगदीश प्रसाद भी बुरी तरह झुलस गए। उनका एक पुत्र सत्येंद्र प्रसाद का भी आग से हाथ और पांव झुलस गया। सपा नेता वहां की हालत को देखा और अभी भी 3 दिन बीतने के बाद भी अग्निपीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे हैं और उन्हें सांत्वना देते हुए सपा नेता ने 10,000 की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई। वहां से निकलकर सपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ चांदियर पंचायत के चक्की चांदियर टोला में पहुंचे, जहां बीते 4 दिसंबर को खेत की जुताई के समय रोटावेटर में फंसकर सूरज यादव का 17 वर्षीय पुत्र अमित कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका इलाज वाराणसी ट्रामा सेंटर में चल रहा। उक्त युवक के इलाज के लिए सपा नेता सूर्यभान सिंह ने उसके भाई अजीत मल यादव को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस मौके पर सपा के नेता शैलेश सिंह, पिंटू यादव, अरुण सिंह आदि लोग मौजूद थे। समझती है गरीब परिवारों के यहाँ तो कैसे सरकार ढिंढोरा पीटती है, एक प्रश्न चिन्ह है इस पे कि सरकार ऊपर से ही ढिंढोरा पीटती है कि मेरा सरकार सही चल रही है और मैं गरीबों का हितैषी हूँ, कैसे हितैषी है इस बात का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और गरीब जानते हैं कि इसका क्या परिणाम है सरकार का और क्या रिजल्ट है। वो समय आने पे, अब समय आ गया है 2022 में, एक एक परिवार गरीब का और जा करके और साइकिल पे मोहर लगाएगा और उस दिन जवाब देगा कि कैसे आप हमारा हितैषी हैं, और उस दिन परिणाम आ जाएगा 2022 में कि सरकार का हितैषी कौन था और कौन नहीं है। और उस दिन 2022 में साइकिल की सरकार बनने जा रही है, जो कि हर गरीब परिवार को आवास